हाल ही में भारत ने रूस से बहुत महत्वपूर्ण डील यानी S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी। ये भारत में सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण करार है, लेकिन इस समझौते में अमेरिका ने काफी परेशानी खड़ी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत रूस से ये डील करता है तो हम भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये वो समय था जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध थोड़ी गर्म हो चले थे, लेकिन मोदी सरकार ने बिना किसी दबाव के डील को फाइनल किया। लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है, लिहाजा अब अमेरिका और भारत के बीच परमाणु सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम सहमति हुई है। दोनों देशों ने बुधवार को 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण पर रजामंदी जाहिर की है। अमेरिका और भारत के बीच एक साझा बयान जारी हुआ है। इस बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। वॉशिंगटन में हुई बातचीत के बाद दोनों देश इस पर सहमत हुए हैं। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले इस समय अमेरिका में हैं। विदेश सचिव ने यहाँ पर भारत अमेरिका के बीच नवे दौर की रणनीतिक और सुरक्षा वार्ता में हिस्सा लिया। इस वार्ता के खत्म होने के बाद दोनों देशों की ओर से एक साझा बयान जारी किया गया। विजय गोखले ने अमेरिका में स्टेट फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी एंड्रिया थॉम्पसन से भी मुलाकात की। दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया। उसमें कहा गया कि हम द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। बयान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खरीदार भारत में तमाम संभावनाएं देख रहा है, और इसी कड़ी में वो भारत को और ऊर्जा उत्पाद बेचना चाहता है। इन्हीं व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर ट्रंप भारत से कोई भी तनाव मोल लेना नहीं चाहते हैं।